गुड मॉर्निंग गर्ल्स, कैसे हैं आप सब? घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। गर्ल्स, आज हम पढ़ेंगे अगेन पार्ट 12, शब्द भंडार। ठीक है, सबने ओपन कर लिया पेज नंबर 69। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, एक बार मैंने आपको पढ़ाया है पर्यायवाची शब्द, आपको एक बार फिर समझा रही हूँ। क्योंकि अपन ने हाफ लिखा था, 1 to 11 अपन ने लिखा था, 12 to 25 हमारे बच्चे थे, वो हम अभी करेंगे। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द में नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। यानी ये दोनों सेम है, शिक्षक और गुरु एक ही नाम है, इनको हम दोनों में से किसी भी एक नाम से बात कर सकते, जान सकते हैं। माँ हमें प्यार करती है, माता का स्थान कोई नहीं ले सकता। पर्यायवाची शब्द में माँ, माता, जननी, अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना इसमें, यानी इनके ही पर्याय, इनके ही जैसे वो शब्द हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में शिक्षक के लिए गुरु तथा माँ के लिए माता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। हम एक ही प्राणी या वस्तु को कई नामों से पुकार सकते हैं, इससे उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये शब्द एक दूसरे के समान या पर्याय होते हैं, इन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। भाषा के वे शब्द जो एक जैसा यानी समान अर्थ प्रकट करते हैं, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब हम आ गए पेज नंबर 7070 में। यहाँ हमने 1 to 11 बादल तक पूरा कर लिया था, बादल या रात तक, है ना। आज हम अगेन वापस में 12 से लेके 25 तक, यानी 12 to 25 आपको फिर से समझा रही हूँ। ओपन कर लिया सबने ना? हाँ। रात, रात्रि, निशा, रजनी, पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी, जगत, संसार, विश्व, दुनिया, समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, पहाड़, पर्वत, नग, गिरी, चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश, गुरु, आचार्य, शिक्षक, अध्यापक, पानी, जल, नीर, सलिल, माँ, माता, अम्बा, जननी, आदमी, मनुष्य, नर, पुरुष, औरत, स्त्री, नारी, महिला, बेटी, पुत्री, सुता, लड़की, बेटा, पुत्र, सुत, लड़का, आग, अग्नि, पावक, अनल। ये सब क्या थे? अपने पर्यायवाची शब्द। एक शब्द के बहुत सारे अन्य दूसरे शब्द, है ना। तो ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। साइड में आपको देखिएगा पिक्चर्स भी बनी हुए हैं, है ना। इसको हम सबको अच्छी तरह से, अभी आपको मैं रिटर्न में भी लिख करके भेज दूंगी। और गर्ल्स, आपको जो मैं रिटर्न में भेजती हूँ तो वो बुक भी सामने ओपन कर लिया करो, बाई चांस कहीं कोई इसको मिस्टेक्स स्पेलिंग की रहती है तो आप करेक्ट कर सकते हो ना, क्योंकि टाइपिंग में कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप खुद से भी सही कर सकते हो। इतना सब लिखने के बाद में हम अब लर्न करना भी स्टार्ट करेंगे, और लर्न करके रफ कॉपीज़ में हम लिखेंगे। ये अपन अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हमारा ये सेकेंड यूनिट का चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे फाइनल्स का स्टार्ट होगा। सेकेंड यूनिट का कंप्लीट करने के बाद, कि अपना हाफ ईयरली का गर्ल्स पूरा हो गया है, ये सेकेंड यूनिट चल रहा है, इसमें एक दो चैप्टर शायद बचने हैं, ये कंप्लीट करके फिर मैं आपके टेस्ट स्टार्ट करूँगी। ठीक है, हाँ, तो ये आप लोग अभी लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।